आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी बाबा साहब की 130वीं जयंती दलित दिवाली के रूप में मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब की तस्वीर पर सपा क्षेत्र अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को याद किया। साथ ही सपा कार्यालय पर आतिशबाजी कर बाबा साहब के कार्यक्रम को एक दिवाली का रूप दिया। बाबा साहब की 130वीं जयंती बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है और हमें बड़ी खुशी है कि दलित और शोषित और पिछड़े लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं, जो दलितों के मसीहा हैं, भगवान उनको दलित मानते हैं, ऐसे महान आत्मा की जयंती बनाने का काम आज सौभाग्य समाजवादी लोगों को मिला। हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, समझा है और जितने महान आत्मा वो थे ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। हम लोग उन्हीं के बताए रास्तों पर दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है लोगों को बाबा साहब को पढ़ने के बाद। और साथ में कोविड का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से सरकारें फेल हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, इलाज मिल नहीं रहा है, दवाई मिल नहीं रही है, वेंटिलेटर है नहीं, बेड है नहीं हॉस्पिटलों में, लोग ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर लोग फर्शों पर लोग पड़े हुए हैं इलाज के लिए, तो ये जो महामारी के आलम में ये सरकार गूंगी बैरी बनी बैठी है, हम समाजवादी लोग इसकी भी निंदा करते हैं। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने हृदय की गहराइयों से उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो अधिकार जो संविधान भारत देश को बाबा साहब ने दिया था, आज उस संविधान की जो धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरीके से उड़ा रहे हैं, और जो अधिकार जो सम्मान आम नागरिक को बाबा साहब ने दिया था, दबे कुचले दलित समाज को, महिलाओं को, आज ये सारे के सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने सब लोगों से छीन लिए। हम इस सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोगों की जो आस्था है बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति उसको बरकरार रखें और लोगों की बात को समझने के लिए ये प्रेरित रहें। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार आज बाबा साहब की 130वीं जयंती महानगर अध्यक्ष बाजी निसार जी की अध्यक्षता में मनाने का काम किया। जो एक दीपावली की तरह पटाखों बम जिस तरह से राष्ट्रध्वज जी की आदेशता की दीपावली की तरह मनाया जाए, मोमबत्ती जलाई, पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बाबा साहब के किए गए संघर्षों के बारे में महानगर अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है उनके बारे में जानकारी भी दी, और कोविड को देखते हुए पार्टी के मुख्य पदाधिकारी भी बुलाए गए जिससे कि कोविड से ही बचा जाए और बाबा साहब की जयंती मनाई गई। बाबा साहब हमारे संविधान के हिंदुस्तान के रचयिता थे, उनके जो मार्गदर्शक जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया उसी पे हमने चलने की आज संकल्प लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आदेश के अनुसार हम लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हम बाबा साहब की जयंती पे सभी ने फूलमाला अर्पित करके बनाई। जी, जिस तरीके से लखनऊ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि बाबा साहब की जो 130वीं जयंती है इस पर इसको हम इस बार दीपावली की तरह हर महानगर में हर ज़िले में धूमधाम से मनाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि नीचे तत्व को, ऊंच नीच को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और जो नीचे तत्व के लोग थे उनको समानता का अधिकार दिया और भारत का संविधान लिखकर सबको एक समानता का अधिकार दिया। तो हम उनकी 130वीं पुण्यतिथि पे यहाँ सब एकत्रित हुए और ये प्रोग्राम किया। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर से लेकर शहर तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये दलित के तौर पर एक दीपावली के जैसे त्यौहार होता है उसी तरीके से ये दलित उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। ये यहीं नहीं पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाने का काम किया गया है। क्यों?
क्योंकि बाबा साहब की देन से ही आज हम दलित पिछड़े एवं ओबीसी वर्ग को जितने फायदे मिल रहे हैं उन्हीं की देन है। हम लोगों को एससी के साथ साथ जो ओबीसी के लोग हैं उनको भी बाबा साहब की जयंती इसी तरह से मनानी चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं हम देश की नहीं विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में भी उनकी बाबा साहब की जयंती को इसी तरीके से मनाया जाए। क्यों कि आज हमारे देश में जिस लाल ने जन्म लिया था पूरा विश्व इस उनके डंके को मानता है कि उनकी जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो संविधान लिखने का काम किया देश के अंदर, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।